हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप इंस्टाग्राम से किसी भी तरह का कोई भी वीडियो अगर अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान प्रोसेस से कैसे कर पाओगे। तो इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन कर दें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम से किसी भी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे ही जब आप यहाँ पर आते हो, अगर आपको कोई भी एक वीडियो पसंद है, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ, अगर मुझे इस वीडियो को डाउनलोड करना हो तो मैं कैसे इसे डाउनलोड कर सकता हूँ, तो इसके लिए हमें दिए गए इस थ्री डॉट पर एक दफ़ा क्लिक करना होगा और उसके बाद में लिंक वाले ऑप्शन पर हम एक दफ़ा क्लिक कर देना होगा। आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो, सबसे पहले आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद में डॉट पर क्लिक करने के बाद में लिंक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और उसके बाद में आपको आ जाना है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में। जैसे ही दोस्तों जब आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे दोस्तों आपको टाइप कर देना है इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर। जैसे ही दोस्तों जब आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और यहां पे दोस्तों आपने जो लिंक कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उस लिंक को हम सिंपली पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में सिंपली हम यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर एक दफ़ा क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों जब हम इतना करेंगे, नीचे में कैप्चा या फिर आई एम नॉट अ रोबोट वाले ऑप्शन के हमें एक बार क्लिक कर लेना है या उसे सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको 5 से 10 सेकेंड तक वेट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों जब आप इतना करते हो तो उसके बाद में आपके मोबाइल पे वो जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में सिंपली दोस्तों हमें सेव एज वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों जब हम इतना करेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगा। जैसे कि दोस्तों अभी आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, जब ये हमारा वीडियो पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो ये डायरेक्टली हमारे मोबाइल फ़ोन के गैलरी में चला जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।